सो गाइस वेलकम टू द व्लॉग शैलेश एंड आज मैं अभी निकला हूँ रावंगला से। रावंगला में बुद्धा पार्क है जो मैंने आपको इस वीडियो से पहले दिखाया और जाते जाते बीच में मुझे कुछ रास्ता दिखा और दिखा तो क्या दिखा, ये है रावंगला का हेलीपैड। हेलीपैड कैसा होता है ये देखिए, पहाड़ों का कुछ कुछ ऐसा होता है और बहुत अच्छी लोकेशन है। थोड़ा टॉप पे टावर दी पीक बनाया गया है और अगल बगल आपको कुछ दिखेगा ही नहीं सिवाय मेरी गाड़ी के और एक ही पीछे जो ऑफिस आएगा सी ऑफिस होगा। बहुत देर से मैं हेलीपैड जाने की कोशिश कर रहा था, हर जगह हर एक जगह पे, नामची में भी एक हेलीपैड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी एक हेलीपैड बना है, बट मुझे मिल नहीं पा रहा था और फाइनली मुझे मिल गया, तुक्के में ही मिल गया। देखिए ये इसका एंट्रेंस था यहाँ पे, सडनली यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है वेलकम। मैंने कहा वेलकम है तो ये जरूर अपने को ही वेलकम कर रहे होंगे, तो मैं घुस गया। लुक एट द ब्यूटी, गाइस आई होप आपको ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे, बहुत ही मेहनत किया मैंने इन ड्रोन शॉट्स के लिए। सो अभी चलते हैं आगे पेलिंग की तरफ, इट्स ऑलरेडी 9:56 और मुझे अब तक पेलिंग पहुंच जाना चाहिए। पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं, सिक्किम का दूसरा स्पॉट है घूमने वाला, यानी पहला तो गैंगटॉक है ऑफकोर्स सबको पता है, बट पेलिंग एक उभरता हुआ प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली वहाँ पे एक स्काई वॉक बना रखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। एनीवे गाइस चलते हैं जल्दी 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 और घुमाता हूँ आपको क्या क्या है पेलिंग में, आई एम एक्साइटेड। रास्ते में रुका हूँ, मुझे एक फ्रूट की शॉप दिखी है तो मैंने सोचा थोड़ा संतरा वंतरा ले लिया जाए खाने के लिए। दिखाता हूँ यहाँ पे शॉप कैसे होती है। कैसे हैं संतरे, कितना? 150 बहुत कॉस्टली, महंगा है ये तो, क्योंकि बहुत सुनता मर गया ना इस बार, कुछ सस्ता नहीं होगा? सस्ता नहीं, 140 में ले जाइए ना, बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन टेस्ट कीजिए ना, एक तो टेस्ट कर सकते, यहाँ का तो सुनता फर्स्ट क्लास है। यहाँ कहाँ देखना जी, उसको तो रखना है, फिर मेरे को तो डांटेगा उधर। हाँ तभी तो पूछा जी, यहाँ पे जी। अच्छा डांटेगा? डांटेगा तो मारेगा, वो फाइन लगेगा, वो जहाँ ये भी शाम को जाके सब एकदम की जगह में जला देना या काट देना जी। सफाई का यहाँ बहुत ध्यान है जी। अच्छा दे दीजिए। अच्छा है ना जी। सर कहाँ से? मैं दिल्ली से। यहाँ बहुत सफाई का ध्यान है। हाँ ये सुना था मैंने, आप मीडिया के तरफ लग रहा है। नहीं नहीं मीडिया नहीं। अच्छा ऐसे शौक से? अच्छा कैमरा ये? हाँ मेरे को वीडियो बनाने का शौक है। यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है सर सफाई के लिए, तो अब ये शाम को कोई नहीं कोई पैसे ले जाएंगे सर। तो अभी चलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, साफ सफाई। संतरे के छिलके मैंने खाए संतरा खाया तो छिलके तक नहीं फेंकने, यहाँ पे इतनी साफ सफाई, वो भी बाकी अंदर चले गया, विच इज प्योर या रूरल एरिया।
तो गाइस अभी पेलिंग जाते वक्त मुझे बीच में एक जगह मिली, ये है टासिडिंग ब्रिज। तो मैं आ गया यहाँ, अभी मैं कुछ लेने वाला हूँ यहाँ के ड्रोन शॉट्स, वो दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो गाइज जो आपने अभी ये ड्रोन शॉट्स देखे, ये थे टाशिडिंग ब्रिज के। तो मुझे एक ये जगह मिली जहाँ पे मेरे को लगा कि मैं अच्छे से फ्लाई कर सकता हूँ। थोड़ा सा रिस्क आया, रिस्क ये था कि जैसे ही मैं ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले गया, वो अपने आप एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज ये पूरा माउंटेन से अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैं इसको थोड़ा ऊपर वाली हाइट पर ले गया, ये अपने आप हवा के प्रेशर से एक तरफ जाने लग गया। एक्चुअली ये इस तरफ जाने लग गया, आप देख रहे हो ये वाला, और इसके ऊपर मैं ऐसे इधर ले गया और उसके बाद अपने आप वो इधर जाने लग गया था। मैं हो गया परेशान, मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने इसको आगे ऐसे उड़ाना शुरू किया, तो एयर को प्रेशर काट के धीरे धीरे आगे आया और धीरे धीरे मैं नीचे 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 लाते 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 मैं यहाँ पे ले आया। और अब मेरा ड्रोन फाइनली सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, और अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:26। मेरा टारगेट था 11:26 पे पेलिंग पहुँचने का, जो कि मैं नहीं पहुँच पाया। तो टारगेट तो मैं कभी अचीव ही नहीं कर पाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली नहीं काम में नहीं, जब मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बिकॉज मुझे हर एक जगह अच्छी लगने जाती है और मुझे लगता है कि ये भी कैप्चर कर लूँ, वो भी कैप्चर कर लूँ, तो सब कैप्चर करने की वजह से। तो वैसे गाइस अब आगे चलते हैं।